है ये KTM RC 200 है, ये सेकेंड हैंड बाइक। अगर आपके पास पैसा कम है तो कैसे ये खरीद सकते हो, इसके ऊपर में ये वीडियो कंप्लीट डिटेल्स बोलूँगा आज इस वीडियो में। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपका बजट कम है और आप सेकेंड हैंड बाइक खरीदना चाहते हो तो आपका शौक ज़्यादा है तो इस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। इससे आगे मैंने एक वीडियो यामाहा R15 version 2 के बारे में यूट्यूब में दिया है, सेकेंड हैंड बाइक कैसे खरीद सकते हो, R15 कैसे चेक कर सकते हो, उस वीडियो में डिटेल्स कंप्लीट मैंने दिया है। तो इस वीडियो को KTM RC 200 के बारे में आपको दिखाऊंगा। और अगर आपने मेरे YouTube चैनल में नए बार आए हो तो प्लीज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा, स्किप करके मत देखो। कंप्लीट डिटेल्स बोलूँगा, बाइक स्टार्ट करके दिखाऊँगा और कौन से ईयर का बाइक कौन से दाम में होगा सब डिटेल्स में बोलूँगा। तो गाइस, ये KTM RC 200 2019 मॉडल BS4 मॉडल, इसका जो ओनर था वो फर्स्ट ओनर था, उसके पास से मैंने लिया है। इससे अच्छा कंडीशन आपको नहीं मिलेगा। इसका दाम पड़ा है 1,45,000। और आप इस बाइक को लेना चाहते हो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। इसी तरह का बाइक आप OLX से ख़रीदना चाहते हो तो क्या क्या चीज़ मैं बोलूँगा वो आपके दिमाग में इंस्टॉल कर लेना। चलिए बाइक को एक सिनेमैटिक शॉट दिखाता हूँ। तो दोस्तों, फर्स्ट चीज़ इसको जो बॉडी है, पूरा बॉडी को ओवरऑल आपको देखना पड़ेगा। बॉडी देखने के बाद आपको पेपर्स वगैरह देखना पड़ेगा, कैश का बाइक है या फाइनेंस का बाइक है ये देखना पड़ेगा आपको। और वो चेक कर लेना है, इंटरनेट से चेक कर लेना, कार इन्फो से आप नंबर मार के देख लेना है। और इसका इंश्योरेंस पॉल्यूशन ये सब देखना होगा, किसका नाम का है, उसका जो वोटर आईडी कार्ड और 2930 फॉर्म ये सब साइन कर लेना है। उसके बाद गाड़ी का जो दोनों जो रिम है उसको देखना पड़ेगा, सामने का जो फॉर्क है वो सब देखना पड़ेगा। तो चलिए बाइक को अंदर से स्टार्ट करके और डिटेल्स में आपको दिखाऊंगा। तो गाइस, फर्स्ट आपको जो देखना पड़ेगा दोनों जो रिम है उस अच्छे अलाइनमेंट है कि देखना पड़ेगा। उसके बाद जो दोनों टायर है, टायर का कंडीशन देखना पड़ेगा। ये जो टायर है 80% सक्सेस टायर है और ये जो टायर है वो 80% गुड क्वालिटी है, दोनों टायर गुड क्वालिटी है। उसके बाद इसके जो पीछे का जो मोनोशॉक है उसको देखना पड़ेगा। वो कैसे चेक करोगे, जब बाइक स्टैंड में रहेगा तो आपको इसको दबाना पड़ेगा। इसको दबा के जो नॉर्मल जो शॉकर का जो अप डाउन होता है वो नॉर्मली होता है, देख लो कैसा होता है। इसी तरह में होता है तो बाइक अच्छा है। और इसके जो ओवरऑल जो शॉकर अप डाउन होता है तो उसका प्रॉब्लम होता है, इसीलिए ओवरऑल शॉकर ऐसे ऐसे हिलना रहता है, तो उसका शॉकर का प्रॉब्लम है। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा फ्रंट का जो शॉकर सामने का, ये दोनों फ्रंट के जो शॉकर है, ये एक शॉकर है और ये एक शॉकर है, ये दोनों शॉकर का अलाइनमेंट ठीक है कि देखना पड़ेगा। इसके जो ऑयल सील है उसके साथ यहाँ पास से ऑयल लीकेज प्रॉब्लम होता है, ये चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। और एक्चुअली एक्सीडेंटल गाड़ी जो होता है ना, सब जो चीज़ है अच्छे से अलाइनमेंट नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा वो हिल जाता है। यहाँ पर जो सेटिंग होता है, भाइजर का जो सेटिंग होता है वो आपको देखना पड़ेगा अच्छे से, अच्छे है कि नहीं है। उसके बाद उसके सब देखने के बाद दोनों जो डिस्क ब्रेक है, डिस्क ब्रेक का जो कैलिपर है ये पर है और वहाँ पर पीछे भी एक कैलिपर है। अब देख लो ये जो कैलिपर है, बाइक अगर 5 साल 4 साल पुराना होता है तो इस जो कैलिपर, दोनों कैलिपर जो होता है जाम हो जाता है। डिस्क एक बार मार के आप जो छोड़ देता है तो ये जो डिस्क का जो लॉक हो सकता है, तब बाइक आप अच्छे रेप देते हो तो बाइक नहीं जाता है। तो इसके ये सब चेक करना पड़ेगा।
उसके बाद वहाँ पर जो चेन स्पॉकेट है वो आपको चेक करना पड़ेगा। इसी साइड में जो चेन स्पॉकेट होता है, चेन स्पॉकेट को आपको चेक नहीं करना पड़ेगा। ये बाइक तो 10,500 किलोमीटर चला हुआ है, इसीलिए इतना अच्छा कंडीशन है ना। फॉर्च्यूनर का गाड़ी था, एकदम अच्छा आदमी का गाड़ी था, इसीलिए अच्छे कंडीशन में गाड़ी अभी हुआ है। और चेन स्पॉकेट भी आप देख लो कितना अच्छा है। उसके बाद दोनों जो जो फुटेज है, फुटेज देख के आपको पता चलेगा बाइक एक्सीडेंट है या नहीं है। और फुटेज का ऊपर जो ग्रिप होता है, इसके देख के पता चलेगा बाइक कितना चला हुआ है। अगर बाइक का एज ज़्यादा होता है, 5-6 साल, तो ये सामान हो जाता है, इतना अच्छा ग्रिप नहीं दिखता है, ठीक है। इंजन तो पहले आप देख सकते हो, इंजन का जो पिस्टन है, पिस्टन खुला हुआ है या नहीं है, यहाँ पर देख के आपको पता चलेगा। तो क्लोज में जाके आपको दिखाऊंगा। ये जो पैकिंग है, ये कंपनी का पैकिंग है, और इसके एक बार भी नहीं खुला है, ओरिजिनल पैकिंग सेटिंग है। और इसके बाद जो मैग्नेट साइड है, ये भी ओरिजिनल पैकिंग है। ऊपर क्लच प्लेट ऊपर है, वो भी ओरिजिनल है। ये सब चीज़ आपको देख के पता चलेगा, तो खुला हुआ है नहीं हुआ है। यहाँ पर पैकिंग अच्छे से नहीं होता है, जब चेंज कर देता है ना, ये पैकिंग ऐसे थोड़ा ऊंचा में उठ जाता है नया पैकिंग लगाने से। तो इसको, इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद बाइक का पूरा बॉडी तो आपको आम आदमी को देख के पता चल जाएगा बाइक का पूरा बॉडी कैसा है, वो थोड़ा दाग वाग नहीं है, तो ये सब देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको इंजन का साउंड सुनना पड़ेगा। इसी साइड में जो ये जो चीज़ है, ये इंजन ऑयल का लेवल का चेक करने का चीज़ है। अगर बाइक स्टैंड में है तो उस तरफ में इंजन मैन सब चल जाता है। बाइक को सोजा करना पड़ेगा, सोजा करने के बाद इस लेवल पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। आप देख लो, शायद देख लो, करीब देख लो, इंजन ऑयल उठता है ना, ठीक है। तो बाइक का जो स्टैंड में रख दो, रखने के बाद देखो इंजन ऑयल सब नीचे में चला गया है। और इसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा बाइक को स्टार्ट करके साइलेंसर से स्मोक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वॉइस स्मोक आ रहा है तो बाइक का पिस्टन का प्रॉब्लम है, पिस्टन चूड़ी जोड़िंग होता है उसका प्रॉब्लम है। अगर ब्लैक स्मोक प्रॉब्लम है तो बाइक का जो वाल्व का प्रॉब्लम होता है। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। देखने के बाद आप बाइक खरीदने से पहले कंसिडर करो कौन कौन सा चीज़ क्या कैसा कैसा है, उसके बाद इसका प्राइस डिसाइड करो कितना होगा, उसके बाद उनसे बात करके आप ले सकते हो। अगर 2015-2016 मॉडल है, 2015 मॉडल है तो उसको दाम होगा 1 लाख के आसपास होगा, और 2016 मॉडल है तो 1,10,000-1,15,000 होगा, 2017 मॉडल होगा तो 1,25,000-1,30,000 के बीच होगा। ये 2019 का मॉडल है ना, इसलिए इसका दाम है 1,45,000, इसका दाम है सेकेंड हैंड। और अगर आप नया खरीदना चाहते हो तो इसका दाम है 2.5 लाख। और यहाँ पर जो डिस है, इस डिस को आपको देखना पड़ेगा। इस डिस देखो, स्मूथ है, ज़्यादा घसा नहीं है, ज़्यादा घसा हुआ तो इसको चेंज करना पड़ेगा आपको। और अगर बाइक ज़्यादा चलता है तो इसको जो पतला हो जाता है डिस, पीछे भी सेम है, ठीक है। और KTM का एक प्रॉब्लम है, ये मेजर प्रॉब्लम है, माइनर प्रॉब्लम है, ये यहाँ से ऑयल लीकेज होता है सब गाड़ी में। अगर नया गाड़ी है 5-6 मास की गाड़ी भी ये सब होता है, ठीक है। ये भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद इसको ओवरऑल बॉडी को आप देख लो एक बार कैसा कंडीशन में ये है, और एक बार चला के आप देख लो, भागा के देख लो आप, 50-60 स्पीड में भागा के देख लो। इसके अंदर जो फ्यूल पम्प होता है, हाँ, ये अगर ख़राब होता है, इसके जाम पम्प हो जाता, फिल्टर जाम पम्प हो जाता तो गाड़ी नॉक करने लगा है, ठीक है। तो गाइस, बाइक को आप स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ इसको साउंड कैसा है। तो चाबी को कर लूँ ऑन और स्टार्ट। तो बाइक को साउंड आपने सुन लिया, कैसा कंडीशन है आपको पता चल गया। और अगर आप इसी तरह का बाइक सेकेंड हैंड खरीदना चाहते हो तो देख के सोच समझ के खरीद लो, मेरे बात से कुछ कंपेयर करके आप खरीदो। तो वीडियो इतना देखने के लिए थैंक यू, और इसके नेक्स्ट वीडियो में जब आएगा तब भी देख लो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।